भिलाईगढ़ विकासखंड में शिक्षा विभाग की लगातार पोल खुलती नजर आ रही है। इसी कड़ी में गोविंदाबाद हायर सेकेंडरी स्कूल में नायब तहसीलदार ने कार्रवाई करते हुए लाखों रुपए के गणवेश जब्त किए हैं। नायब तहसीलदार ने कहा है कि स्कूल के अतिरिक्त कमरे में लाखों रुपए का स्कूली बच्चों को बांटने वाला गणवेश मिला है। ये पहली बार नहीं है, इससे पूर्व भी नायब तहसील ने कैथा स्कूल में रखे गणवेश दो पिकअप के साथ जब्त किए थे। वहीं लगातार भिलाईगढ़ विकास खंड में गणवेश मिलने से शिक्षा विभाग की लापरवाही साफ देखी जा सकती है। वहीं वीडियो ने एक बार इस मामले की फिर से पुष्टि कर दी है। मेरे को पीओ सर बोले गए थे कि चाबी ले लो, बोलते चाबी मैं जो ली यहाँ से स्कूल से प्राचार्य से लिया हूँ, उसके पीओ साहब को दे दिया था। कौन सा पूर्व पीओ क्या नाम था उनका? जी आठ। आज जो है इतना भारी मात्रा में था, इसकी क्या अब वर्तमान में जो भी है तो उसको जानकारी दिया गया था? नहीं, मेरे पास उसको जानकारी नहीं था, तो मैं कहा आपको दोबारा चाबी वापस नहीं किया गया था? नहीं, अभी देखे हैं तो कुछ गड़बड़ है और कुछ पुस्तकें हैं यहाँ पुराना हाल जो बचा हुआ है। यहाँ अतिरिक्त कक्ष जो पीछे साइड में है वहाँ कुछ गड़बड़ वगैरह मिले हैं। आपको जानकारी थी वहाँ गड़बड़ करके? यहाँ गड़बड़ से करके इसके बारे में जानकारी। इसकी चाबी किसके पास थी? हाँ, इसकी चाबी पूर्व जो बीओ थे दरिया सर, और उन्होंने ये निर्देश दिए थे कि मनीष साहू को आप चाबी दे देंगे करके, तो मैंने मनीष साहू को चाबी दे दिया था। प्रेस के माध्यम से ही हम लोगों को सूचना मिली थी कि बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल जो गोविंद वन ग्राम में स्थित है, वहाँ अतिरिक्त भवन में दो कमरों में गणवेश पाए गए हैं। सूचना प्राप्त होने के बाद मैं यहाँ जांच के लिए आया था। जांच में हमने सूचना सही पाई और आज स्टाफ वेरिफिकेशन करवाया है। इसमें बड़ी मात्रा में गणवेश पाए गए हैं। बच्चों का पूरा गणवेश है, गणवेश बच्चों को वितरित होना था और हुआ है या नहीं हुआ ये जांच का विषय है, जांच करके इसको देखें। आप तो सर विभाग प्रमुख हैं, आप ऐसा बोल के पल्ला झाड़ना चाहिए? नहीं, पल्ला झाड़ने वाली बात नहीं है इसमें। यदि मान लो ये मेरे संज्ञान में होता तो इस पर अभी तक कार्रवाई। राघोगढ़ के कैबिनेट मंत्री जयवर्धन